इंटरनेशनली अक्लेम पाने के बाद फिल्म लंच बॉक्स 20 सितंबर को इंडिया में रिलीज होने के लिए तैयार है और कल शाम मुंबई में इसी फिल्म का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जहां फिल्म की पूरी कास्ट के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी नजर आए। फिल्म लंच बॉक्स को इंडिया में करण जौहर और सिद्धार्थ रॉय कपूर रिलीज कर रहे हैं और इस इवेंट पर करण ने मीडिया को बताया कैसे इस फिल्म के साथ जुड़कर प्राउड फील कर रहे हैं। आज की दौर ही कुछ अलग है, हर किस्म की पिक्चरें बहुत लोग, जैसे हमने लास्ट ईयर ही देखा कि कितने सारे अलग अलग फिल्में, चाहे वो बर्फी हो या विकी डोनर हो या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, दैट वी वेरी प्राउड व्हेन वी सी। तो हर किस्म की फिल्म आजकल ऑडियंसेस देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है, और मैं चाहता था कि धर्मा प्रोडक्शंस की बेस ज़्यादा वाइड हो जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिग बजट बिग स्टार कास्ट वाली फिल्में, पर ऐसी भी फिल्में होती हैं जो एक्चुअली आर द मोस्ट सुपीरियर इन कॉन्टेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन स्टोरी टेलिंग। और जब मैंने लंच बॉक्स देखी थी, मुझे लगा कि एक ऐसा लगा कि काश मेरा नाम इस फिल्म से जुड़ा होता, और वो जो हुआ है तो ये मेरा छोटा सा सपना है जो पूरा हुआ। जब मैंने ऐसी पिक्चर देखी तो ऐसा लगा कि गर्व होता है एज एन ऑडियंस मेंबर, एज एन इंडियन फिल्म मेकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुद मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ। तो इसलिए ऐसे द्वारा मेरा नाम ऐसे आ जाए तो आई एम ऑलवेज हैप्पी दैट वे, आई थिंक, एंड इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। वैसे हम आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है और एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म को ऑस्कर तक भी ले जाने की बात की है। ऐसे में करण जौहर ने भी मीडिया को बताया कैसे ये फिल्म इंडिया में फाइनली एक ऑस्कर अवार्ड ला सकती है। Yes, this should be a front runner and India should look at it in its selection very carefully, क्योंकि ये ऐसी पिक्चर है, जब आपने आपने ऑलरेडी फिल्म देखी है, कि जिस तरह हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड सिनेमा में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इट्स नेवर डन एज एस्थेटिकली ब्यूटीफुली एंड इमोशनली लाइक इट इज इन लंच बॉक्स। ये फिल्म हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और ये फिल्म हम प्राउडली किसी को भी दिखा सकते हैं। तो अगर इसे हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आई एम श्योर, गिवन ऑल आवर कलेक्टिव एनर्जीज एंड सोनीज पावर, हम इसे जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या पता वो जो गोल्डन स्टैचू सालों तक इस देश ने नहीं देखा है, शायद लंच बॉक्स उसे घर ले आए, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। Well, we do hope Lunchbox India में फाइनली एक ऑस्कर लेकर आए। इस फिल्म में एक्टर इरफान खान लीड रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म की कहानी भी बड़ी अनोखी है। फिल्म में इरफान खान को उस लेडी से प्यार हो जाता है जो उन्हें लंच बॉक्स भेजती है। ऐसे में मीडिया ने इरफान से पूछा क्या रियल लाइफ में उन्हें ऐसा प्यार कभी हुआ है। मैं कई बार, मैं तो रोज प्यार में पड़ता हूँ, और ऐसा तो कई बार हुआ है कि मैं जिनको लिया मिला नहीं हूँ, जिनको सिर्फ देखा है, जिनके बारे में सुना है, प्यार में पड़ जाता हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस ही प्यार में पड़ता है, तो वो अनगिनत हैं ऐसे, कौन सा आपको वाकई में बताऊं। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि हाँ, कई बार पढ़ा हूँ और पढ़ता रहूँगा। इरफान खान के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस निमरत कौर नजर आने वाली हैं, जिनकी परफॉर्मेंस की तारीफ सभी कर रहे हैं, और यहाँ निमरत ने अपनी इस सुपर परफॉर्मेंस की एक्सपीरियंस मीडिया के साथ शेयर की। मेरे लिए ये डिफिकल्ट नहीं था कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे प्ले करूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने किरदार निभाया है, जो इला का जो किरदार है, वो एक पत्नी या एक प्रेमिका या माँ नहीं है, वो एक औरत है, और वो कुछ सर्कमस्टांसेस में से गुजर रही है, किसी चीज़ों से कुछ उसकी स्ट्रगल्स हैं। तो मेरे लिए फोकस ये था कि इला कौन है, उसको मैं कैसे ढूंढूं स्क्रिप्ट में, और दैट्स रियली एक्चुअली, तो इसलिए मुझे कुछ स्ट्रगल नहीं लगी कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे निभाऊँ। और वैसे इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर रितेश बत्रा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भी रितेश की डेब्यू फिल्म लंच बॉक्स देखी है वो इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और इस इवेंट पर रितेश ने इस फिल्म के बारे में बताया, ये फिल्म मेरी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव से जुड़ी है, पर ऑब्वियसली मैं बहुत ही स्लो राइट करता हूँ, बहुत ही धीरे लिखता हूँ, तो उन सालों में मैंने उन सब छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया है। Well, we hope, जिस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म को इंटरनेशनली मिला है, वैसा ही रिस्पॉन्स इसे इंडिया में भी मिले। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।